प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत से संबंधित जो यूपी का एक पर्टिकुलर आपका इतिहास है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखेंगे एक उत्तर मध्यकाल, जिसे हम आधुनिक भारत भी कहते हैं, जहां पर आपके अवध या उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर आधुनिक इतिहास में किस तरीके की घटनाएँ घटित होती हैं, जिसमें आपके भारत की स्वतंत्रता के समय तक उत्तर प्रदेश में होने वाली कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे क्या है विशेष, इसके अंतर्गत किस तरीके के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के इतिहास से आपसे पूछा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं जो आपका मुगलकालीन इतिहास है उसके उत्तरार्ध में हम कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर अगर हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात अगर हम देखें तो 50 वर्षों में करीब 8 मुगल सम्राटों ने शासन किया। सिर्फ 50 सालों में 8 मुगल सम्राटों ने यहाँ पे शासन किया था। 1707 से 1757 ईस्वी तक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस दौरान आपके 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्य या कैसे एक स्वायत्त राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इसमें 5 राज्यों में कौन कौन से प्रमुख हैं उनको भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक है आपका नाजिब खान और पठान, जो कि एक पठान सरदार था, उसने मेरठ और बरेली के उत्तर क्षेत्र में यहाँ पर अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। दूसरा इसमें रुहेलखंड का एरिया था जो कि स्वतंत्र हो गया था, और इसका जो श्रेय है रहमत खान के द्वारा यहाँ पर अपना एक राज्य, एक सरकार कह सकते हैं, एक स्वतंत्र राज्य रुहेलखंड की स्थापना की गई। रुहेलखंड का जो एरिया रहमत खान जो नेतृत्व कर रहा शासन कर रहा था जिस एरिया में, वो था आपका मेरठ और दोआब रुहेल क्षेत्र पर ये शासन करता था। इसके बाद तीसरा इसमें है फरुखाबाद का, जो नवाब फरुखाबाद के क्षेत्र में यहाँ पर देखा जाए जो कह सकते हैं मध्य दोआब का क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। चौथा इसमें अवध के नवाब थे जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर इनका शासन था, और बुंदेलखंड का क्षेत्र जिस पर आपके मराठों का शासन था। ये 5 क्षेत्र थे जो मुगल साम्राज्य के दौरान यहाँ पे स्वतंत्र हो चुके थे। इसके बाद अगर हम देखें तो 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। ये युद्ध देखिए यूपी में तो नहीं हुए हैं लेकिन कि उत्तर भारत के इतिहास को ये काफी प्रभावित करते हैं। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में यहाँ पे मराठों, जाटों और राजपूतों की पराजय, तथा 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय, ये 2 बड़े जो युद्ध थे इसने ये निर्धारित कहीं ना कहीं किया कि उत्तर भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं अब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पे आधिपत्य होता है। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है, और ब्रिटिशों का जो दौर रहता है एक आधिपत्य सरकार की जो भूमिका उनकी दिखाई देती है वो यहाँ से कहीं ज़्यादा प्रभावी आपको देखने को मिलती है। 1775 की अगर 1700 यहाँ पे हम 65 से 72 की अगर हम बात करें तो 1765 में अंग्रेजों के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य यहाँ पर इलाहाबाद की एक संधि की गई। ठीक है, कौन सी संधि की गई? इलाहाबाद की संधि किसके बीच 1765 में किसके किसके बीच की गई थी? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। इसी तरीके से 1762 से 1772 तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में रहा, लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा कहीं ना कहीं एक अति हो गई और उसको वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं उसके शाह आलम द्वितीय के अनुरूप नहीं रह गई, तो उन्होंने यहाँ पे मराठों के साथ मिलकर के 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुँचता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1774 में यूपी विशेष के बारे में अगर देखा जाए इसी दौरान, तो 1774 में अंग्रेजों ने रुहेला सरदार रहमत खान शाहजहांपुर को पराजित कर दिया था। ठीक है, शाहजहांपुर में यहाँ पर उनको पराजित किया और रुहेलखंड का जो एरिया था उसे अवध में सम्मिलित कर लेते हैं। तो एक जो स्वतंत्र राज्य जो मुगलों के समय रुहेलखंड का एक स्वतंत्र राज्य जो स्थापित हुआ था, एट द लास्ट अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने इस युद्ध में रुहेला सरदार को हरा करके उसे अवध प्रांत में सम्मिलित किया। 1775 तक ईस्वी के दौरान जब असफुद्दौला नवाब बनता है आपके अवध का, तो उसने अंग्रेजों के साथ एक और संधि थी जिसका नाम दिया गया फैजाबाद की संधि। इस फैजाबाद की संधि में अगर हम देखें तो बनारस का जो क्षेत्र था, बनारस का क्षेत्र यहां पर असफुद्दौला ने अंग्रेजों को फैजाबाद की संधि के दौरान सौंप दिया। साथ ही इस संधि के तहत यहाँ पे वारन हेस्टिंग जो थे अवध की बेगमों के जो संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी है वो यहाँ पे अवध के नवाब को देते हैं। इसके बाद अंग्रेज यहीं नहीं रुकते हैं,
और घटनाक्रम जो हैं तेजी से बदलते रहते हैं। लेकिन इसी दौरान देखा जाए तो कुछ स्थापत्य की भी चीज़ों का निर्माण हुआ, कुछ सांस्कृतिक चीज़ों का भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। जैसे कि 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में एक इमामबाड़ा का निर्माण यहाँ पर कराया गया और इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं हुआ था। तो असगुल दौला ने यहाँ पे लखनऊ में क्या किया, एक इमामबाड़े का निर्माण कराया। कब? 1784 में। इसके बाद बनारस के एक राजा थे, राजा का नाम था यहाँ पे चेत सिंह। राजा चेत सिंह ने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया। और जब भी आपको पता है उस दौरान यदि अंग्रेजों के पक्ष में या अंग्रेजों के साथ में रहकर आप काम करते हैं तब तो वहां पर आप अंग्रेज होते हैं शायद आपको ज्यादा समय लेते थे आपके साम्राज्य को हथियाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप उनका विरोध करते थे तो वो आपको एक दमन चक्र की प्रक्रिया के माध्यम से उस साम्राज्य को अपने में यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। इसी दौरान जब बनारस के राजा ने 1700 देखा जाए 80 ईस्वी में इसी तरह से अंग्रेजों का जब विरोध किया तो यही घटना आपको देखने को मिली। अंग्रेजों ने चेत सिंह को हरा कर यहाँ पे राजाओं के स्थितियों में परिवर्तन किया और नया राजा बना दिया गया महीप नारायण सिंह को। ठीक है, तो बनारस के राजा को हरा करके उनकी जगह पे आपको महीप नारायण सिंह को यहाँ पे राजा बनाया गया। लेकिन हम बात कर रहे थे अवध की, अवध के दौरान इस घटनाक्रम में चीज़ें और डेवलप होती हैं। डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलती है, 1797 ईस्वी की अगर हम बात करें तो असफुद्दौला जो होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है और 1798 में यहाँ पे शहादत अली जो होते हैं अवध के नवाब बनते हैं। उसने इलाहाबाद का किला जो होता है अंग्रेजों को सौंप देता है तथा बाह्य आक्रमण की सुरक्षा के बदले प्रतिवर्ष यहाँ पे 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन भी देता है। इस तरीके से अंग्रेजों ने धीरे धीरे ही सही अवध पर अपना नियंत्रण पहले से अधिक मजबूत कर लिया। इसके बाद 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1803 के युद्ध में लॉर्ड लेक जो होते हैं अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रतिनिधित्व में जहाँ पर देखा जाए तो मराठों को पराजित किया जाता है और दो प्रांत यहाँ पे देखा जाए जो क्षेत्र थे अलीगढ़ और आगरा का जो क्षेत्र था उसे भी जीत लिया जाता है। 1808 तक आते आते देखा जाए तो अवध के नवाब जो होते हैं सादत अली ने सुरक्षा की गारंटी के बदले गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा और एटा अंग्रेजों को सौंप दिया। तो देखा जाए तो धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा जो होते हैं एक बड़े क्षेत्र को सिर्फ सुरक्षा की गारंटी के नाम पर उन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया था। 1836 ईस्वी में प्रांत के यहाँ पे का नाम जो होता है वो परिवर्तित किया गया और नया नाम रखा गया आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत। उस समय इस क्षेत्र में दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र भी यहाँ पर सम्मिलित होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यूपी का जो इतिहास रहा उत्तर मध्यकाल या मुगल कालीन जो इतिहास आपको देखने को समापन की ओर मिलता है तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। अवध इत्यादि की स्थिति आपको क्षेत्रीय जो राजनीति रही है या आपके प्रशासनिक व्यवस्था रही है और अंग्रेजों का धीरे धीरे जो प्रभुत्व रहा है वो इस दौरान आपको देखने को मिलता है। जहाँ क्षेत्र बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ, छोटे छोटे नए साम्राज्यों का उदय हुआ और उन छोटे छोटे साम्राज्यों को फिर धीरे धीरे यहाँ पे जीत करके अंग्रेजों के द्वारा अपने को एक साम्राज्य, एक स्थापत्य यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को यहाँ पर उन्होंने विस्तारित किया। अगर हम बात करें सिर्फ अवध को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आपको एग्जाम में या परीक्षा में पूछे जाते हैं अवध के नवाबों को लेकर काफ़ी प्रश्न आए हैं और उनसे संबंधित कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको काफ़ी क्वेश्चन के रूप में बनती हैं। यहाँ पर यूपी विशेष के दृष्टिकोण से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर अवध के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि अवध का जो नवाबों का जो दौर रहा या राजाओं का अवध का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था या मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से पहले तक की जो स्थिति रही है वो यहाँ पर देखिए 1722 से लेकर के 1856 यहाँ पर अवध के नवाब और राजाओं ने आपका शासन किया था। अगर देखा जाए इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र थे वो तो आता ही था अवध के अंतर्गत, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बिहार का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसमें देखा जाए 1722 में अवध के सूबेदार सादत खां बुरहानुल मुल्क ने एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? अवध के सूबेदार सादत खां के द्वारा बुरहानुल मुल्क ने एक स्वायत्त राज्य की यहां पर स्थापना की।
इसके बाद आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी जो होती है फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, आसफुद्दौला जो होते हैं यहाँ पे अवध के जो नवाब थे उनके द्वारा यहाँ पे राजधानी परिवर्तन किया था। इस तरह के जो फैक्ट हैं वो ध्यान रखने हैं। राजधानी किसे बना लिया था इसने? फैजाबाद से स्थानांतरित किया और नई राजधानी इसने बनाई लखनऊ को। इसके बाद अगर देखा जाए नवाब के अवध के जो अंतिम नवाब थे या बेसिकली नवाबों के दौर में यहाँ पे राजाओं का भी एक उपाधि यहाँ पर दी गई थी इनको बाद में अंग्रेजों के द्वारा, तो अंतिम जो शासक हम कह सकते हैं अंतिम जो शासक थे वो थे आपके वाजिद अली शाह। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, प्रमुख घटनाक्रम या युद्ध या संधि या इस तरह के आपके राजधानी परिवर्तन। आइए यहाँ पर मैं आपको अवध के जितने भी नवाब और राजाओं का दौर रहा है, कौन कब बना, किसके शासनकाल में क्या प्रक्रियागत स्थितियां रही और साथ ही साथ यहां पर कुछ प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले नवाब कितने थे, तो देखिए जो पहले नवाब बने सआदत खां बने, ठीक है, जिन्होंने कह सकते बुरहानुल मुल्क जिन्होंने अवध के साम्राज्य संस्थापक थे। 1722 से लेकर के यहां पर देखा जाए 1739 तक इन्होंने अपना प्रथम नवाब के तौर पर शासन किया और यहां पर अवध के संस्थापक नवाब इन्हें बोला जाता है। इसके बाद द्वितीय नवाब थे यहाँ पे सफदरगंज जो कि सआदत खां के बाद बनते हैं और इनका शासनकाल 1739 से लेकर 1753 तक रहता है। सफदरजंग के बाद यहाँ पे तृतीय नवाब बनते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला का जो शासनकाल रहा वो 1753 से लेकर के 1775 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद चतुर्थ नवाब चौथे जो नवाब बनते हैं वो है आसफुद्दौला जो कि 1775 से लेकर 1797 तक यहाँ पे शासन करते हैं। इनके दौरान दो प्रमुख घटनाक्रम, एक तो फैजाबाद की यहाँ पे संधि की और बनारस का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को सौंपते हैं, दूसरा इन्होंने यहाँ पे फैजाबाद से अपनी राजधानी जो होती है वो लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद पांचवें नवाब थे वहां पर वजीर अली जो कि 1797 से 1798 सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, सबसे कम समय तक अवध का जो नवाब था वो वजीर अली था, सिर्फ 4 महीने उन्होंने शासन किया था। इसके बाद छठे नवाब थे सआदत अली खान जो 1798 से 1814 तक थे और यहां पर देखिए इलाहाबाद के किलों को यहां पर इसने अंग्रेजों को सौंपा। सातवां यहाँ पे नवाब थे गाजीउद्दीन हैदर जो 1814 से 1819 तक यहाँ पे इन्होंने नवाब के तौर पे शासन किया। देखिए यहाँ पे 1819 में एक प्रमुख घटना हुई और इस घटना के दौरान यहाँ पे जो नवाब का एक पद था जो नवाब कहा जाता था वहां पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके नवाब के पद को समाप्त किया और नवाब को यहाँ पर राजा से यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया। तो अवध के जो नवाब बोले जाते थे आगे चल के उन्हें राजा के तौर पर यहाँ पे जाने जाना लगा 1819 के पश्चात। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1819 तक यहाँ पे गाजीउद्दीन ने यहाँ पर हैदर ने अंतिम नवाब के तौर पे भी शासन किया, इस तरह जो नवाब का पद था और प्रथम राजा के पद पर भी इन्होंने शासन किया। तो देखा जाए तो अब यहाँ पे पहले राजा, ठीक है, पहले राजा कौन बने, तो गाजीउद्दीन हैदर ही था 1819 से 1827 तक यहाँ पे रहा। इसके बाद दूसरा राजा यहाँ पे बना गाजीउद्दीन हैदर जो 1819 से नासिरुद्दीन हैदर जो 1827 से 1837 तक रहा। तीसरा राजा बना मोहम्मद अली शाह जो 1837 से 1842 तक इसने शासन किया। चौथा राजा बना अमजद अली शाह जो 1842 से लेकर 1847 तक शासन किया और अंतिम जो नवाब राजा था पांचवा जो राजा था वाजिद अली शाह जो 1847 से 1856 तक था। इसे अंतिम राजा या अंतिम नवाब के तौर पर अंतिम शासक के तौर पर अवध के यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो कौन था आपका वाजिद अली शाह। अब यहाँ पे देखिए एक तथ्य यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1722 से लेकर 1758 तक के शासनकाल के दौरान यहाँ पे अवध का जो अंतिम शासक था उसका नाम ध्यान रखना है कौन है वाजिद अली शाह। दूसरा अंग्रेजों ने इसके बाद फरवरी 1856 में राजा को पदच्युत कर दिया और अंग्रेजों ने अवध को क्या किया ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया। तो 1856 में फाइनली जो अवध का क्षेत्र था राजाओं नवाबों के दौर को समाप्त होता है और ये मिल जाता है आपको ब्रिटिश साम्राज्य में। गाजीउद्दीन हैदर जो होते हैं अवध का अंतिम नवाब बनता है और यहाँ पे साथ ही साथ वो प्रथम राजा भी बनता है। ये सारे आपको फैक्ट हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये आपका समाप्त होता है, इसे हम कह सकते हैं आपके क्षेत्रीय राजनीति मुगलों के बाद उत्तर मध्यकाल की स्थिति भी या आधुनिक इतिहास के प्रारंभिक दौर में जहाँ पे क्षेत्रीय राजनीति की स्थिति होती है अवध का क्षेत्र यहाँ पर और अंग्रेजों का एक तरीके से आपके प्रभुत्व का बढ़ना। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस काल घटनाक्रम में जिस तरीके से उन्होंने शासन को संभाला था, जिस तरीके से उन्होंने कई सारे साम्राज्यों को कई सारे राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया था, चाहे पॉलिसी कोई भी अपनाई गई हो, लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने
अंग्रेजों के प्रति एक अशांति का माहौल उत्पन्न हुआ। इस अशांति का कारण यहाँ पे कई क्षेत्रों अलग अलग था। कहीं ना कहीं उनके द्वारा चाहे वो लगान वसूले जाने की स्थितियाँ रही हों, चाहे राज्यों को हड़पने का दौर रहा हो, चाहे युद्ध इत्यादि की स्थितियाँ रही हों, चाहे उनकी कूटनीति रही हो या कोई भी अन्य कारण रहा हो, पॉलिसी कोई भी रही हो, लेकिन इसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनमानस और साम्राज्य, राजा, किसान, कृषक, जमींदार सभी के मन में कहीं ना कहीं एक घृणा उत्पन्न की। और इसका एक परिणाम देखने को मिलता है जो प्रथम एक कह सकते हैं संकलित विद्रोह की स्थिति देखने को मिलती है 1857 की क्रांति के रूप में। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के दौर में उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख घटनाक्रम डेवलप हुए थे उनकी क्या स्थिति रही है और उनके भी कौन कौन से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो आइए समझते हैं 1857 के विद्रोह या क्रांति और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले देखिए 1857 में उत्तरी भारत की जो जनता थी, चाहे उसमें जमींदार हो, राजा हो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कहीं ना कहीं एक महान विद्रोह, एक कहीं ना कहीं संकलित या संगठित हो रहे थे उस विद्रोह के लिए। और इसके बाद वीर सावरकर ने कहीं इस युद्ध, इस 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने क्या कहा था कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से भी इसे संबोधित किया है। कलकत्ता के निकट ये जो घटना कहने का 1857 की क्रांति जो हुई, ये उत्तर प्रदेश में विकसित जरूर हुई, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो उद्भव हुआ या जहां से शुरुआत हुई वो उत्तर प्रदेश नहीं था बल्कि वो बंगाल था। यहां पर देखिए कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के निवासी थे, ने 27 मार्च 1857 ईस्वी को एक खुला विद्रोह किया। और उस खुले विद्रोह के अंतर्गत उन्होंने लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी थी और उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है मंगल पांडे को कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है उनके द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध पहली बार एक तरीके से विद्रोह किया था, एक सैनिक विद्रोह भी इसे हम कहते हैं। इसका कारण क्यों ये था, क्योंकि मंगल पांडे एक अंग्रेजी सेना में यहाँ पर क्योंकि 34वीं देशी सैनिक छावनी के अंतर्गत यहाँ पर कार्यरत थे। अब यहाँ पर देखा जाए ये घटना घटित क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, तो कहा यह जाता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, अब देखिए भारत में अगर आप शासन कर रहे थे और देसी सैनिक अगर आप प्रयोग करें तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक होते थे, सिख इत्यादि भी होते थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को एक अवधारणा ये थी कि जो कारतूस यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उन कारतूस में जो होता है आपको दो चीज़ें हैं जो कि उनके कहीं ना कहीं धार्मिक भावना के या संवेदनाओं के या उन प्रतीकों कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की स्थिति भी उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सैनिकों में यह धारणा थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, और समस्या ये थी कि ये जो कारतूस होता था उसे खोलने के लिए मुँह को उससे खींचना पड़ता था और यहीं पर आपको समस्या थी, क्योंकि इसमें चर्बी के तौर पे गाय और सुअर का प्रयोग किया जाता था। वो धार्मिक दृष्टिकोण से ये दोनों ही धर्मों के लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इससे वो उसका प्रयोग करने से मना कर देते हैं। जब अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मंगल पांडे के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है और यहाँ पर उनके जनरल बाग की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और यहीं से प्रारंभ होती है 1857 की क्रांति। ये सिर्फ प्रारंभिक दौर में जहां पर सिर्फ एक सैनिक के द्वारा प्रारंभ किया गया, एक विद्रोह के तौर पर प्रारंभ किया गया, धीरे धीरे एक सैनिक विद्रोह के तौर में स्टार्ट होता है और आगे चलकर इसे एक जनमानस के तौर पर भी ये डेवलप होता है, जिसमें जागीर, जमींदार, राजा, क्षेत्रीय राजा और किसान इत्यादि भी धीरे धीरे इसमें सम्मिलित होते हैं। तो शुरुआती दौर में ये स्थिति कैसे डेवलप हुई, अब आइए देखते हैं ये कहानी कहाँ से जाकर समाप्त होती है। आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस समय जो घटना ये घटित हुई थी, भारत का गवर्नर जनरल इस समय कौन था, ये भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद देखिए 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों के छूने से मना कर दिया। ठीक है, सैनिकों ने क्या कर दिया, मेरठ की देसी सैनिकों की जो छावनी थी, आपकी टुकड़ी थी सैनिकों की, उन्होंने इस प्रयोग को, इस कारतूस को छूने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने 9 मई को इन सैनिकों को कहीं ना कहीं बाहर निकाल दिया, इनकी वर्दी छीन ली। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
अब ये घटना यहाँ पर शुरू हो गई और इसके बाद 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिकों के द्वारा जो आपको निकाले गए सैनिक थे, सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और भारत के अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में यहाँ पे प्रतिबद्धता जताई, उन्हें भारत का राजा भी घोषित किया। इसके बाद विद्रोही सैनिकों ने एक समिति बनाई, समिति यहाँ पर दिल्ली में, इस समिति में 6 सैनिक थे और 4 यहाँ पर भारतीय नागरिक थे। इनको मिलाकर जो समिति को बनाया गया उसका नाम इन्होंने दिया जलसा समिति। जलसा समिति काम क्या करती थी, इसने यहाँ पर जलसा समिति के द्वारा दिल्ली का जो पूरा प्रशासन था उस प्रशासन को इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। तो ये घटना यहाँ पर शुरुआत होती है और इस तरीके से एक सैनिक विद्रोह के तौर पर, और उसने फिर धीरे से आपके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये अधिकार, ये इस तरह के युद्ध आपको धीरे धीरे यूपी के प्रांतों में भी देखने को मिलता है। अब आगे चल के देखिए 1857 की इस क्रांति में सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र थे आपके, जहाँ सबसे ज्यादा ये उग्र तौर पर यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, तो अवध और बुंदेलखंड का एरिया था। कहाँ पे? अवध और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा यहाँ पर ये क्रांति आपको प्रभावित एरिया के तौर पर देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ दुआब का जो क्षेत्र था वो भी काफी सक्रिय देखने को मिलता है। 1857 की इस क्रांति ने शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने अपनी अपनी सरकारें यहां पर स्थापित कर ली थी। तो एक एक करके यहां पे कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में या तो सैनिकों का यहाँ दबाव हो गया था, शासन चल रहा था, या तो जमींदारों या शासकों के यहाँ पर दौर आपका प्रारंभ हुआ। विद्रोह का जो विस्तार था यहीं पर नहीं रुका, ये यूपी के कई अन्य क्षेत्रों तक भी फैला। जैसे ये प्रारंभ होता है आगे चलकर ये इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस इत्यादि नगरों और कस्बों तक ये फैल जाता है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही यूपी के मोस्टली पार्ट में ये फैल चुका है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपसे बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया और कहाँ कौन से युद्ध हुए, किस कौन से अंग्रेजों ने, एट द लास्ट क्या होता है फाइनली ये लोग अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआती जो बढ़त हासिल करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जब यहाँ पे प्रतिक्रिया प्रारंभ की जाती है तो एक एक करके ये सारे लोग अपने युद्ध यहाँ पर हार जाते हैं, या तो वीरगति को प्राप्त होते हैं या तो यहाँ पर पकड़ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो घटनाक्रम यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, काफी सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। सबसे पहले अवध के क्षेत्र में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो अवध में यहाँ पे देखिए बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और बेगम ने यहाँ पर अपने अल्प वयस्क उनका एक पुत्र था जिनका नाम था आपका बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया। लेकिन 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैम्बेल के द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर बेगम हजरत महल को हरा दिया। इसी तरीके से कानपुर की स्थिति के बारे में बात करें तो 1857 की ईस्वी में विद्रोह में कानपुर जो बिठूर का जो क्षेत्र आता है यहाँ पे इनका जो प्रशासन या नेतृत्व यहाँ पे संभाला था नाना साहेब ने संभाला और इस पर अधिकार कर लिया। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम को कानपुर के निकट पराजित भी कर दिया। लेकिन ये शुरुआती जो बढ़त थी, ध्यान रखिएगा किसको पराजित किया था, अंग्रेज जनरल था उसका नाम था विंडहम, जनरल विंडहम को इन्होंने पराजित किया था कानपुर के निकट। लेकिन इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1857 को कानपुर के निकट ही कॉलिन कैम्बेल के द्वारा इसे एक बार फिर से यहाँ पर विजित कर लिया जाता है और नाना साहब उनकी सेना को हरा दिया जाता है। तो देखा जाए तो कॉलिन कैम्बेल ने लखनऊ और कानपुर दोनों ही क्षेत्रों पर यहाँ पर से दो विजय यहाँ पे प्राप्त की, अंग्रेजों के यहाँ पर उन्होंने बढ़त दिलाई, इस क्षेत्र पर वापस उनका शासन स्थापित किया। इसके बाद अगले दौर में अगर हम देखा जाए तो 1857 के इस विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजन बेगम नाचने और गानों के पेशे से यहाँ पर संबंधित हैं। इसके बाद बरेली के क्षेत्र में देखा जाए तो 1857 की ईस्वी में विद्रोह के पश्चात बरेली के प्रशासन यहाँ पे खान बहादुर खान ने यहाँ पे संभाला हुआ था जो कि एक रुहेला सैनिक अधिकारी थे। ठीक है, तो बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा था आपका खान बहादुर खान जो कि पहले एक सैनिक भी थे। 1857 के विद्रोह में झांसी का जो नेतृत्व था आपको सबको पता है लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जा रहा था, झांसी की रानी थी और यहाँ पर लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया। जून 1858 में जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर पुनः कब्जा कर लिया और झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हो जाती है।
1857 की ईस्वी में आपको विद्रोह इलाहाबाद का, जो इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मौलवी लियाकत अली, जो कि पेशे से एक अध्यापक थे। जून 1858 में कैप्टन मिल के द्वारा इलाहाबाद पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है। इसी तरीके से 1857 के विद्रोह के महान कह सकते हैं कि आपको योद्धा तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र भी था, उनकी अपनी एक रणनीतिक शैली थी लड़ाई करने की, जिसका नाम था आपका गनीमी कावा रणनीति। कौन सी रणनीति? गनीमी कावा रणनीति। इसको दूसरी भाषा में कहें तो हम छापामार रणनीति भी कहते हैं। और इनकी इस रणनीति के कारण अंग्रेजों में काफी भय व्याप्त हो चुका था, वो काफी डरने लगे थे इस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं तात्या टोपे काफी एक बड़ी यहाँ पर बढ़त भी हासिल हुई थी। लेकिन शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में यहाँ पर इनको 7 अप्रैल 1857 को तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया और उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में जो एक विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उसमें शुरुआती दौर में भारतीय लोगों को, भारतीय शासकों को, जमींदारों को, सैनिकों को यहाँ पर बढ़त मिलती है, लेकिन जब काउंटर अटैकिंग यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा की जाती है तो धीरे धीरे ही सही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संबद्ध एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ी गई और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। 1757 में इसके बाद देखिए 1857 के इस विद्रोह में स्थानीय जनता ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू किया अगस्त 1857 से, लेकिन जून 1858 तक आते आते संयुक्त प्रांत के जो पूरा विद्रोह था उसका दमन कर दिया गया था और पूरी तरीके से ये अंग्रेजों के अधिपत्य में यहाँ पर फिर से ले आया गया। लेकिन इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शासन सत्ता उसके हाथों से निकल जाती है और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत का यहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता स्वयं अधिग्रहित कर ली और इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जब लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को करके यहाँ पर सुनिश्चित किया। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया जाता है और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद आपको स्थानांतरित कर दी जाती है। इसी घटनाक्रम में कुछ प्रमुख तथ्य, जैसे कि फतेहपुर में जो होता है 1857 की क्रांति का जो दमन किया था अंग्रेज जनरल रेनर ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने विद्रोह के दौरान इसे इस पर कब्जा किया था, साथ ही जनरल बख्त खान के नेतृत्व में जून 1857 को दिल्ली में भारतीय सिपाहियों एवं अंग्रेजों अधिकारी जॉन निकोलस के मध्य एक युद्ध लड़ा गया और अंग्रेजी सेना ने यहाँ पर आपको विजयी हुई और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। साथ ही बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ पर बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने जो युद्ध सैनिकों के द्वारा एक तरीके से जो सैनिक विद्रोह के तौर पर प्रारंभ हुआ था उसका यहाँ पर दमन भी कर दिया जाता है। यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं, देखिए दोनों तरीके का आता है। सबसे पहला जो प्रश्न आपको बनता है कि पर्टिकुलर से अवध में है, झांसी में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, किसके द्वारा यहाँ पर जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, और दूसरा अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर उन क्षेत्रों पर वापस से हासिल करने में किस अंग्रेज जनरल या लॉर्ड या फिर जो भी सैनिक अधिकारी रहे नेतृत्व किया गया। ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर आपको 1857 की क्रांति में यूपी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको बनते हैं या अदर भी आपको क्वेश्चन बनते हैं तो वो यहीं से आपको बनेंगे। तो हमने ये भी आपको अब देख लिया 1857 की क्रांति से संबंधित आपके प्रमुख घटनाक्रमों को। अब चलिए ये देखते हैं, चलिए क्रांति हुई उससे कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाक्रमों में, ठीक है, अंग्रेजों ने वापस से इसे हासिल तो जरूर कर लिया था, लेकिन एक चीज़ ये भी समझ में आ गई थी भारतीयों को कि हमें साथ में मिलकर और एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका यहाँ पर विकास होता है कि साथ में मिलकर जब तक हम इसे अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े नहीं होते हैं शायद हम इसे वापस से स्वतंत्र कराने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो एक जो क्षेत्रीय विभाजन की स्थिति थी जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के पहले थी, उसके बाद यहाँ पर उस क्षेत्रीय विभाजन की स्थिति समाप्त होकर एक राष्ट्रवाद की भावना का यहाँ पर विकास होता है। और इस राष्ट्रवाद की जो भावना का विकास होता है इसमें कई सारे समाज सुधारकों, पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन इत्यादि की भी एक बड़ी भूमिका रहती है, जिनके द्वारा लेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और अन्य तरीके से यहाँ पे इसका बड़े स्तर पर जनमानस के माध्यम यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाता है और इसका फायदा भी होता है।
फायदा होता है, लोग एकजुट होते हैं, कई सारी कुरीतियों को समाप्त किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं, थोड़ा विकास की स्थिति आधुनिक भारत के इतिहास में देखा जाए तो आधुनिकता का भी समावेश होता है। पढ़ने लिखने के बाद यहाँ पर वैचारिक जो होता है वो आपको चीज़ें यहाँ पर विकसित होती हैं और कई बड़े यहाँ पर नेताओं का भी आपका उदय होता है। और इस घटनाक्रम में देखा जाए तो एक नए भारत के उदय के तौर पे हम इसे इस समयकाल को देख सकते हैं और 1857 के बाद यहाँ पर स्थिति आपको हम नए स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर कहीं ना कहीं एक ज़्यादा एकजुट होकर होने वाले प्रयासों के तौर पर हम इसे देखते हैं। तो क्रांति के पश्चात प्रदेश में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है उससे जो प्रमुख जो घटनाक्रम है वो क्या है। 1857 की क्रांति के पश्चात उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन समाचार पत्र पत्रिकाओं ने यहां पर प्रमुख की कविचन सुधा और दूसरी हरिश। दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1877 में आर्य समाज की स्थापना करके धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज व साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से लोगों के मध्य यहाँ पे प्रचार प्रसार किया। मोहम्मद कासिम नरौनी एवं रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी शिक्षा का केंद्र देवबंद स्कूल की स्थापना की। साथ ही विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद का नारा देकर देवबंद आंदोलन का भी प्रारंभ किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसी तरीके से 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो देखा जाए तो शिक्षा, स्कूल, कॉलेज ये एक भूमिका में आते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार के तौर पर भी, शिक्षा के माध्यम से भी, एकजुटता के माध्यम के लिए और राष्ट्रवाद की भावना के लिए, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं इनका एक शिक्षा के दृष्टिकोण से कॉलेजों का आपका प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद एक कुछ और प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो फैक्ट आपको यूपी से रिलेटेड हैं उनके बारे में यहां पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दौर रहा, इनकी स्थापना देखा जाए तो 1885 में 1885 में होती है। वायसराय इस समय लॉर्ड डफरिन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए स्थापना का एक किसी भारतीय के द्वारा नहीं किया गया था, आप सबको पता है यहां पर किसके द्वारा किया गया था, एक अंग्रेज सिविल सेवक था जिनका नाम था A.O. ह्यूम, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहां पर स्थापना की गई। और इनका जो प्रथम अधिवेशन होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका संपन्न हुआ वो कहां होता है, आपको मुंबई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसमें इस प्रथम अधिवेशन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको हम यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको टोटल ओवरऑल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कितने लोग? 72 लोग यहां पर, 72 सदस्य यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से यूपी से 8 लोग होते हैं। कितने? 8 लोग होते हैं यूपी से होते हैं। कौन कौन है वो लोग, नाम देख लेते हैं एक बार। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में उत्तर प्रदेश से ये लोग 8 लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूपी में जो क्वेश्चन आपको बना हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं कि कितने अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूपी में हुए हैं और उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, कब हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन यूपी में, कब कब हुआ है, और इसके अलावा कौन से प्रमुख जो विचार हैं, घटनाएं हैं, प्रस्ताव हैं इन अधिवेशन में यहाँ पर लिए गए। तो चलिए देखते हैं, देखिए टोटल कितने हुए हैं। तो टोटल देखे जाए तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 9 यहाँ पर आपके कांग्रेस के आपको अधिवेशन आपको टोटल यूपी में हुए हैं। अब इसमें से इन 9 में से सर्वाधिक 3 हुए हैं प्रयागराज और लखनऊ में, ठीक है। प्रयागराज में 3 आपको अधिवेशन हुए हैं और लखनऊ में भी आपके 3 अधिवेशन हुए हैं। प्रयागराज में जो 3 अधिवेशन हुए हैं उसमें से यहाँ पर देखिए एक है 1888 में, दूसरा 1892 में, तीसरा 1910 में हुआ। वहीं लखनऊ के जो 3 अधिवेशन हैं, एक 1899 में हुआ है, दूसरा 1916 में हुआ है, तीसरा 1936 में हुआ है। अब आइए देखते हैं इन सभी 9 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अन्य तथ्य। पहला देखिए 1888 में हुआ, प्रयागराज में हुआ, अध्यक्ष इसके थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले यहां पर आपके प्रथम अध्यक्ष थे।
विवरण देखिए यहाँ पे जो प्रमुख घटनाक्रम है, पहली चीज यहाँ पे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और साथ ही यहाँ पे अंग्रेजों के प्रति कांग्रेस के स्वभाव में आपको परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन। दूसरा 1892 में दूसरा यहाँ पे जो अधिवेशन यूपी में आपका कांग्रेस का होता है वो भी प्रयागराज में ही होता है 4 साल बाद। और यहाँ पर देखिए ब्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर आपके अध्यक्ष होते हैं और इन्होंने इस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की जाती है। किसमें? मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई। तीसरा यहां पे 1899 में लखनऊ में किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें यहां पे रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की और इन्होंने कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार आपको 1899 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। 1905 में बनारस में आपका एक सम्मेलन आपका इनका होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं वो इनके अध्यक्ष के तौर पर इस कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्षता संभालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है जब गर्म दल और नरम दल के मध्य यहाँ पे मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। किसमें? 1905 के अधिवेशन। इसके बाद 1910 में प्रयागराज में एक बार फिर से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है जो कि तीसरी बार हो रहा था और विलियम वेडरबर्न जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, एक भारतीय प्रेस एक्ट और दूसरा देशद्रोही सभा अधिनियम को वापस लेने की बात को यहां पर मजबूत किया जाता है। 1916 में लखनऊ में आपका इनका अगला सम्मेलन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूपी में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं और दो चीजें यहां पर होती हैं, एक तो गर्म दल नरम दल के मध्य एक तरह विलय की स्थिति आपको और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। ये दोनों ही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, खासकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते को लेकर। कब हुआ था? तो 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन या उनके अधिवेशन में। इसके बाद 1925 में कानपुर में एक बार फिर से यहां पर अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। सरोजिनी नायडू यहां पर इसकी अध्यक्षता करती हैं। ये एक प्रमुख घटनाक्रम रहा क्योंकि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहां पे अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1936 में लखनऊ में यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और नेहरू ने यहां पर इसी अधिवेशन में प्रथम बार जो होता है वैज्ञानिक और आर्थिक साम्यवाद की यहां पर इनके द्वारा व्याख्या की जाती है। 1946 में यहाँ पे अंतिम आपका देखा जाए यूपी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है मेरठ में। जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और स्वतंत्रता के समय तक यहाँ पे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। तो इस तरीके से इन सभी घटनाक्रमों में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कौन कौन से यहाँ पे अधिवेशन हुए हैं और उनके प्रमुख घटनाक्रम अध्यक्ष और किस सन में यहाँ पर हुए। चलिए कुछ अन्य फैक्ट भी आपको देख लेते हैं। ये तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। एक यहां पे ध्यान रखिएगा 1888 के इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रांत के जो संयुक्त प्रांत के तौर पे हम इसे कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत के गवर्नर जो था वो था सर ऑकलैंड कॉल्विन के द्वारा यहां पर रुकावट डालने का प्रयास किया गया था, इसे ना होने देने का प्रयास किया गया। बनारस के जो राजा थे शिवप्रसाद सितारे हिंद वो कांग्रेस विरोधी और अंग्रेजों के यहां पर साथी के तौर पे कार्य करते थे। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कांग्रेस कमेटी की प्रथम सम्मेलन 1908 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसी तरह अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, क्या है ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक बहुत ही प्रमुख घटनाएं हुई, वो ये था कि इसी सम्मेलन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन जो कि मुरादाबाद में हुआ। इसके बाद अक्टूबर 1921 में हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में हुआ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया गया। तो ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी प्रांतीय कमेटी सम्मेलन से संबंधित आपकी घटनाएं और प्रमुख घटनाक्रम हमने देख ली।
अब यहाँ पर आइए, भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई या प्रमुख जो आंदोलन किए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसमें है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 20 जून 1920 को खिलाफत कमेटी की बैठक में यहां पर आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? इलाहाबाद में। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया। दूसरा जो फैक्ट है, असहयोग आंदोलन से संबंधित। भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी ने अपनी कैसे रे हिंद की उपाधि वापस कर दी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षा विकास के लिए प्रदेश के बनारस में काशी विद्यापीठ की इसी दौरान यहां पर स्थापना की गई। साथ ही यहां पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और देशी वस्तुओं और इत्यादि को यहां पर अपनाने का नारा भी दिया गया। इसके अलावा एक प्रमुख घटना जो हुई इस दौरान जिसके कारण इस आंदोलन को रोक दिया गया था, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे पुलिस अत्याचार से क्रोधित होकर भीड़ ने आग लगा दी थी थाने में, जिसके कारण एक थानेदार और 21 सिपाहियों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी के द्वारा 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन जो कि तेजी से यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध जोर पकड़ता है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर चौरी चौरा नामक ये घटना होती है और महात्मा गांधी के द्वारा इसे स्थगित किया जाता है, चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। काफ़ी सारे राजनीतिक जो दल होते हैं या व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो भी यहाँ पर महात्मा गांधी के निर्णय से असंतुष्ट हो जाते हैं और इसी असंतुष्टि के कारण एक नई पार्टी, कुछ और नई पार्टियों का गठन होता है, जिसमें से एक थी स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की स्थापना की स्थगन से दुखित होकर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। इस पार्टी में विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय जैसे नेता भी सम्मिलित थे। लेकिन 1929 के में यहां पर देखा जाए 1929 के परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने यहां पर भागीदारी भी की थी। इसी दौरान यहां पर चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के मध्य यहां पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मदन मोहन मालवीय ने जयकर और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर एक नई नेशनलिस्ट पार्टी की यहाँ पर स्थापना की। इस तरीके से यहाँ पर स्वराज पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, नई पार्टी यहाँ पर गठित होने लगी। चुनावों का एक भी दौर था, विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे, उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा था। इसके बाद अगला जो प्रमुख एक आंदोलन था, हम आंदोलन पढ़ रहे हैं तो असहयोग आंदोलन देखा, खिलाफत आंदोलन देखा और उनकी उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाक्रम को देखा। इसी तरीके से इसमें अगला जो आंदोलन है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखा जाए तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 तक गुजरात के समुद्र पर दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर इन्होंने कानून को तोड़ा था। इसमें संयुक्त प्रांत के भी काफी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद कुछ प्रमुख किसान आंदोलन हुए, जैसे कि फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, किसका? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ? फरवरी 1918 में। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में अवध किसान सभा का गठन किया और इसमें काफी बड़े बड़े नेता भी शामिल थे अवध किसान सभा में। कौन कौन था? जैसे कि गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे और केदारनाथ के प्रयासों से यवध किसान सभा और भी मजबूत हुई। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसानों की प्रमुख शिकायतों में लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया। एका आंदोलन की एक विशेषता यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें किसान के साथ साथ जमींदार भी इसमें सम्मिलित थे। इसके अलावा जमींदारों और तालुकदारों का सामाजिक बायकॉट करने के लिए नाई धोबी बंद का भी यहां पर आंदोलन किया गया था और प्रतापगढ़ में इसका प्रारंभ किया गया। किसका विरोध करने के लिए? जमींदारों और तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए। इसके बाद
वर्ष 1936 में प्रोफेसर एनजी रंगा इंदुलाल याग्निक स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का यहाँ पे आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर एनजी रंगा इंदुलाल याग्निक स्वामी सहजानंद। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कुछ आपके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, एक आंदोलन, कुछ सभाएं हैं, अवध किसान सभाएं हैं, कुछ संगठन हैं, ये सारे जो आपके प्रमुख घटनाक्रम हैं वो आपको इसमें ध्यान रखने हैं, वो आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखिए प्रमुख जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, कौन कौन सी प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं इसमें देखिए। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सितंबर 1924 में कानपुर के पत्रकार सत्यभक्त, नाम क्या था? सत्यभक्त। सत्यभक्त ने यहां पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और प्रताप तथा प्रभु, प्रताप और प्रभु नामक बोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले, ये कानपुर में छपने वाले प्रमुख अखबार थे। तो प्रताप और प्रभु, ये दो आपके प्रमुख समाचार पत्र थे। कहां से छपते थे? आपके कानपुर से। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। करबंदी आंदोलन इलाहाबाद में चलाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रमुख सहयोगी थे। 1924 में इसी तरह से जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कुछ प्रमुख घटनाओं को अंजाम दिया, कुछ प्रमुख आपके क्रांतिकारी रहे जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, उनसे संबंधित भी आपके प्रमुख घटनाक्रम हैं जो यूपी से रिलेटेड हैं। जैसे कि 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। कौन सी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन में डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया और इस घटना में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई और रामप्रसाद खत्री तथा मनमननाथ गुप्त को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया। अब देखिए यहाँ पे जो सजा दी गई, जैसे फांसी की जो सजा दी गई थी इन चार क्रांतिकारियों को, चारों को अलग अलग जगह पे फांसी दी गई। जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। इस घटना में क्रांतिकारियों की तरफ से जो मुकदमा लड़ा था वो चंद्रभानु गुप्त के द्वारा लड़ा गया था और चंद्रभानु गुप्त का नाम इसलिए भी आपको ध्यान में होगा क्योंकि यही आगे चल के 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 1928 में दिल्ली में भगत सिंह की सलाह पर जो बनाई गई पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर द्वारा आजाद के द्वारा बनाई गई थी, तो भगत सिंह ने इसमें एक शब्द जोड़ा था सोशलिस्ट और इसके बाद इसका नाम बदल के हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट शब्द का जो उद्देश्य था इस पार्टी में जोड़ने का, उनका उद्देश्य यह था कि भारत को एक समाजवादी और एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य के रूप में इसे स्थापित किया जाएगा। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है, जिसे हम वर्तमान समय चंद्रशेखर पार्क के नाम से भी जानते हैं, वहां पर अंग्रेजों से या पुलिस का मुकाबला करते हुए इन्होंने स्वयं को अपनी गोली मार करके वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्रांतिकारी शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों के द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ यहां पर गिरफ्तार किया गया था। तो यहां पर देखा जाए जो आपके प्रमुख घटनाएं हैं, जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो यहां पर हमने देखी। ये भी आपसे प्रश्न काफी इसमें पूछे जाते हैं, चाहे आपके हिंदुस्तान से सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या आपको काकोरी है, चौरी चौरा है, या आपको देखा जाए इस तरह के आपके घटनाएं हैं, ये आपके एग्जाम के रूप में पूछी गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो इतिहास से संबंधित है, जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के पूर्व जो चुनावी प्रक्रियाएं थीं, जो कहीं ना कहीं संसद के माध्यम से या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपनी भूमिका यहाँ पे अदा की है, ठीक है, जैसे कि अब इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
स्वतंत्रता के पूर्व जो चुनाव हुए, जैसे 1926 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली, ठीक है, किसे मिली, नेशनलिस्ट पार्टी को। 1937 के निर्वाचन में संयुक्त प्रांत की विधानसभा से निर्वाचित होकर 64 मुस्लिम और 164 सामान्य सदस्य आते हैं। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार का गठन किया। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। इसी तरीके से अक्टूबर 1937 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के समर्थन में शामिल करने के कारण संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने यहां पर इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ यही की कांग्रेस सरकार ने नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी और तारापद भट्टाचार्य ने किया। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना जो होती है, इस पार्टी का स्थापना यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की यहाँ पर घोषणा की। और एक और घटनाक्रम जो 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध शराब के सेवन को बंद करना, निषेध करने को सर्वप्रथम जो लागू करने के लिए चुने गए जो जिले थे वो थे आपके एटा और मैनपुरी, दोनों आपके यूपी के थे। तो ये आपके घटनाएं हैं जो कि यूपी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाक्रम में एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक, एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से भी आपको देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता के लिए जो घटनाएं हुई उसमें से 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 16 अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में जनसंघर्ष छिड़ गया। तो संयुक्त प्रांत में जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए घटना प्रारंभ हुई वो बलिया जिले से होती है। और यहाँ पर जो प्रारंभ होता है यूपी में या संयुक्त प्रांत में ये भारत छोड़ो आंदोलन का घटनाक्रम 16 अगस्त 1942 को। परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। साथ ही 15 अगस्त 1947 को एट द लास्ट भारत स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया जाता है। तो फाइनली यहां पर उत्तर प्रदेश के इतिहास के घटनाक्रम में हमने फाइनली यूपी को इतिहास को संपूर्ण कर लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो और आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही पूछा जाता है, क्योंकि यूपी का जब आप इतिहास पढ़ रहे थे तो आपने देखा इसके नाम में काफी बार परिवर्तन आता है। कभी इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता है, कभी इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता है, कभी इसे आगरा अवध प्रांत कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अपने आप में इसके नाम को लेकर भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम डेवलपमेंट हो जाता है। तो जाने से पहले एट द लास्ट इस फैक्ट को भी हम पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या रहा है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त, ठीक है, अवध के नाम से तो हम इसे जानते थे, लेकिन मूल रूप से यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से भी हम इसे जानते थे, ठीक है। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय से इसे हम किसका हिस्सा था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। 1833 तक आते आते आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर दिया गया और इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। कब? 1833 में। 1836 में इसका नाम जो होता है बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत यहां पर कर दिया जाता है और 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर आपको आंदोलन होता है, 1857 की क्रांति हो जाती है। 1858 में इस प्रांत का मुख्यालय जो होता है इलाहाबाद को बना दिया जाता है और 1858 से लेकर के 1877 तक की स्थिति में जो प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था थी वो यूपी में दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे अवध का जो प्रशासनिक और न्यायिक मुख्यालय था
उसे लखनऊ वहां पर कार्यरत कर रहा होता है उसके रूप में, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो मुख्यालय था प्रशासनिक और न्यायिक उसके रूप में इलाहाबाद काम कर रहा था। लेकिन 1877 में इन दोनों ही प्रांतों का एकीकरण कर इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। 1902 में अगेंस्ट इसका नाम यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। ठीक है, तो नामों के बहुत बार इसमें परिवर्तन हुए, ध्यान रखिएगा। 1902 में इसका नाम क्या किया गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। उसके बाद 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से स्थानांतरित कर दिया गया लखनऊ। तो लखनऊ आपके यूपी की राजधानी का आपको कब बनती है, 1925 में। 1935 तक प्रांतीय सचिवालय भी आपको इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाता है और ऑफिशियली यहां पे लखनऊ आपकी राजधानी बन जाती है। 1937 में यूपी का जो नाम था संयुक्त करके संक्षिप्त कर दिया गया और इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की बजाय सिर्फ संयुक्त प्रांत के नाम से यहां पे जाना जाने लगा। और फाइनली इसका जो वर्तमान नाम आपको सुनाई देता है जिसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से, 24 जनवरी 1950 का इसका नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र होने के साथ ही यह भारतीय गणतंत्र के एक राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। लेकिन 9 नवंबर 2000 को यहां पर उत्तर प्रदेश को विभाजित कर दिया जाता है और उत्तराखंड के रूप में एक नए राज्य को स्थापित कर दिया जाता है। और 24 जनवरी 2018 को हम यहां पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रथम बार हमने मनाया 24 जनवरी 2018 को, उसके बाद से हम यहां पर प्रतिवर्ष आपका उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपका यूपी का इतिहास जो है वो आपका हो गया यहां पर कंप्लीट। फाइनली हमने यहां पर अब इसको आपको रिविजन करना है, पढ़ना है। बाकी का जो घटनाक्रम होगा वो हम जैसे कि आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट होंगे, घटनाएं होंगी, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इतिहास आपका फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब उत्तर प्रदेश का कला एवं संस्कृति जो होगी वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इनको अपना रिविजन कर लेना है। त्यौहार के कारण क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी मिसटाइम्ड हो रही हैं, समय पर नहीं हो पाई थी बीच में, लेकिन अब यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूपी से इतिहास से संबंधित आपके घटनाक्रमों को आपको इसे आधुनिक इतिहास को आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी की जो क्लास है कल हम यहाँ पर फिर से सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।